हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नई रेसिपी में। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ऑनियन पिज़्ज़ा। जैसे रेस्टोरेंट में मिलता है वैसे ही सेम टू सेम ऑनियन पिज़्ज़ा आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप घर पे कैसे बना सकते हो। उसका बेस भी बनाएंगे और ऊपर टॉपिंग भी बनाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है सोनी के चैनल में। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी वाला बटन है उसको जरूर दबा लें, ताकि हमारी जो आने वाली हलवाई वाली वीडियोस हैं वो आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पिज़्ज़ा का बेस बनाएंगे। तो बेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें आधा कप गर्म पानी चाहिए। इसमें हम मैदे का जो डो है वो हम रेडी करेंगे। तो आधा कप मैंने गर्म पानी लिया है, गुनगुना पानी थोड़ा रखें तभी अच्छा रहेगा। और इसमें थोड़ी सी एक टीस्पून के करीब आपने चीनी डालना है और थोड़ा सा 1 टीस्पून ही इसमें मैदा डालना है। तो उसके बाद हम डालेंगे इंस्टेंट ईस्ट। तो ईस्ट हमें उतने ही चम्मच डालना है, उतने ही टीस्पून डालना है जितना हमने मैदा यूज़ किया है। मतलब एक कप अगर मैदा यूज़ कर रहे हैं तो 1 टीस्पून आपने ईस्ट डालना है। तो मैं यहाँ पे 2 टीस्पून डाल रहा हूँ क्योंकि 2 कप हम मैदा यूज़ करने वाले हैं। अब इसे ढक के थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि ये जो ईस्ट है एक्टिव हो जाए, और उसके बाद जो डो है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो 5 से 7 मिनट के बाद इसे चेक कर लेते हैं। तो ईस्ट जो है वो हमारा बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक्टिव हो चुका है। इसमें आप सभी देख सकते हैं झाग दिखाई दे रहा होगा। ऐसे जब झाग बबल्स वगैरह आने लग जाए तो इसका मतलब कि आपका जो ईस्ट है वो एक्टिव हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा स्वादानुसार डालें नमक, और 2 कप डालना है इसमें मैदा। मैदा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं और अपने हिसाब से जो मेजरमेंट है वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 कप मैदा से बनाने वाला हूँ। 2 कप मैदा से करीब हमारे 4 पिज़्ज़ा बनके रेडी हो जाएंगे। छोटे जो हम नॉर्मल साइज़ के बनाते हैं थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा या जो पतले बेस वाला पिज़्ज़ा होता है, 4 पिज़्ज़ा बनेंगे। अगर हम थोड़े मोटे वाले बड़े पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं, थोड़े मोटे मोटे बेस बनाना चाहते हैं, तो भी हमारा जो 2 पिज़्ज़ा है 2 कप मैदे में हमारे रेडी हो जाएंगे। आप चाहो तो बहुत ही बड़ा पिज़्ज़ा एक ही बना सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कम से कम इसमें आप 2 पिज़्ज़ा बनाएं। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमें इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ही डालना है। बाद में भी अगर ज़रूरत लगे तो गर्म पानी थोड़ा सा डाल के इस तरीके का जो डो है वो रेडी कर लेना है। ऐसे चिपचिपा बिल्कुल गीला सा होना चाहिए। उसके बाद हमें एक थाली में थोड़ा सा ऑयल लगाना है और ऑयल के ऊपर इसको रख के हमें बिल्कुल इसको मैश करना है, खींचना है हमें, मतलब इसको स्मूथ करना है। ये देखिए इस तरीके से ऐसे खींचना है, और ऐसे जब खींचेंगे 2-4 मिनट, मतलब 2-3 मिनट के करीब आप ऐसे खींचेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ एक क्लीन डो की तरह बन जाएगा। ये देखिए इस तरीके से जो हमारा डो है वो बिल्कुल बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस डो को हमें रख देना है 2 घंटे के लिए कम से कम। तो इसी बाउल में मैं इसको रख देता हूँ ताकि ये बिल्कुल एक्टिवेट हो जाए और ये फूल के डबल से भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हमें इसको ऐसे ही ढक के 2 घंटे के लिए रखना है। 2 घंटे के बाद हम पिज़्ज़ा जो है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। आप इसको अच्छे से कवर करके 2 घंटे के लिए रख दें। तो 2 घंटे हो चुके हैं। अब 2 घंटे के बाद हम देखते हैं हमारा जो मैदा है वो कैसा है। ये देखिए बिल्कुल फूल के डबल से भी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। इसमें काफ़ी सारा हवा है। अब इसको ऐसे पंच मारे, हवा निकाले, और उसके बाद इसे निकाल के अब पिज़्ज़ा बनाने के लिए ये बिल्कुल रेडी है। ये देखिए अब इससे क्या होगा कि हमारा पिज़्ज़ा जो है वो बहुत अच्छे से फूलेगा और बिल्कुल जैसे ब्रेड बनता है ना, ब्रेड की तरह ही रहेगा। अब किसी भी बोर्ड पे या फिर किसी भी सरफेस पे आप मैदा थोड़ा सा छिड़क ले। इसमें आप ऑयल वगैरह नहीं लगाना है। या फिर आपने रेस्टोरेंट वगैरह में देखा होगा कि वो इसमें मक्की का आटा यूज़ करते हैं, तो आप चाहो मक्की का आटा भी यूज़ कर सकते हो। अब आप चाहो तो इसके 4 पिज़्ज़ा बना सकते हो, छोटे मीडियम साइज़ के पतले पतले, या फिर आप बिल्कुल बड़े पिज़्ज़ा और मोटी थिकनेस वाला पिज़्ज़ा, 2 पिज़्ज़ा आप आराम से बना सकते हो। मैं यहाँ पर 2 ही बना रहा हूँ। सबसे पहले मैंने 1 को अलग करके रख दिया है, उसको मैं बाद में बनाऊँगा थोड़ी देर के बाद। अभी मैं इसमें 1 बनाने वाला हूँ। सबसे पहले तो इसे हमें बेलना नहीं है, अपने हाथों से ही इसको खींच के ऐसे बढ़ाना है। बेलने से क्या होगा कि इसके अंदर से जो हवा है, बबल्स है, वो निकल जाता है। तो इसीलिए इसको हाथों से ऐसे खींच के बढ़ाएं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 बेकिंग ट्रे लिया है, और इसी ट्रे के अंदर हम जो अपना पिज़्ज़ा है वो सेट करेंगे, इसी में हम अपने पिज़्ज़ा को बेक करेंगे। तो जो पिज़्ज़ा है उसे उठा के हमें ट्रे में डालना है, और ट्रे में ही अपने हिसाब से जितना बड़ा साइज़ आप करना चाहो उतना बड़ा इसको फैला के आप अपने हिसाब से बड़ा कर सकते हो। जो भी आप प्लेट से बड़ा भी करना चाहते हो, प्लेट के इतना जितना आप
बेकिंग ट्रे है उतना करना चाहते हो तो आप उतना भी कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा थिकनेस ही रखना है, मोटा ही रखा है, तो आप इस तरीके से पिज़्ज़ा बना सकते हो, इस तरीके का जो बेस है आप बना सकते हो। साइडों में थोड़ा सा आप अपने फिंगर से दबा दें और ताकि बीच बीच में हम इसके सॉसेस सिर्फ लगा सकें, और उसके बाद एक फॉर्क लेके इसमें छेद कर देने हैं ताकि जो पिज़्ज़ा है हमारा बिल्कुल रोटी जैसा ना फूल जाए, इसलिए इसको छेद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे फॉर्क से आपने छेद कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे रेडीमेड वाला जो पिज़्ज़ा सॉस मिलता है आप वो भी यूज़ कर सकते हो, या फिर पिज़्ज़ा सॉस होममेड भी आप बना के यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे मार्केट वाला ही पिज़्ज़ा सॉस यूज़ किया है और मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पिज़्ज़ा सॉस लगाया है। आप चाहो तो अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम लगा सकते हो, ज़्यादा लगा सकते हो, जैसा भी आपको पसंद हो। ऑनियन पिज़्ज़ा बना रहे हैं हम तो इसके अंदर हम ऑनियन ही डालेंगे। अगर आपको कोई और पिज़्ज़ा बनाना है जैसे कैप्सिकम या फिर जो भी आपको पसंद हो सब्ज़ियाँ, आप इसके अंदर सारी सब्ज़ियाँ मिक्स करके भी डाल सकते हो। मैं सिर्फ यहाँ पर ऑनियन पिज़्ज़ा बना रहा हूँ तो सिर्फ मैं प्याज ही डाल रहा हूँ इसके अंदर। नीचे की एक छोटी सी लेयर, मतलब थोड़ा बहुत मैं इसमें प्याज नीचे रख दूंगा और उसके बाद इसके ऊपर चीज़ डालूंगा मैं काफ़ी सारा। ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ है जिसको मैंने पहले से कद्दूकस कर लिया है। मार्केट में आपको कहीं भी मोज़रेला चीज़ मिल जाएगा, आप मार्केट में देख सकते हैं मोज़रेला चीज़ बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और उसके बाद इसे कद्दूकस करके आप इसके ऊपर डाल सकते हो। जितना ज़्यादा आपको चीज़ी पसंद हो उतना ज़्यादा आप इसके ऊपर चीज़ डाल सकते हो, इसके ऊपर सॉसेस डाल सकते हो। अगर आपको इसके ऊपर मेयोनीज़ पसंद है डालना तो मेयोनीज़ सॉस आप इसके ऊपर डाल सकते हो। उसके बाद मैंने चीज़ डालने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा प्याज और डाल दिया है और उसके बाद थोड़ा सा मैं चीज़ और डाल रहा हूँ। मुझे चीज़ थोड़ा ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने इसके ऊपर ज़्यादा लगाया है, अगर आपको कम पसंद है आप कम डालना। उसके बाद ये बिल्कुल बेक करने के लिए अब ये रेडी है। इसके ऊपर जो कुछ आप नमक वगैरह डालना चाहे आप डाल सकते हो, वैसे मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि चीज़ के अंदर भी नमक होता है, मैदे में हमने नमक डाला हुआ है। अब इसे हम ओवन में रख देते हैं या फिर कढ़ाई में भी रख सकते हैं आप। और ओवन में मैंने यहाँ पे 180 डिग्री पे प्री हीट करके रखा हुआ है 10 मिनट के लिए ओवन को, और 180 डिग्री पे मैंने इसको रखा है 20 मिनट के लिए। 20 मिनट में हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो 20 मिनट का टाइमर मैंने सेट कर दिया है, लेकिन मैं एक दो मिनट पहले भी चेक कर लूँगा ताकि ये बिल्कुल जले ना। तो देखिए मैंने यहाँ पे 18 मिनट के अंदर अंदर ही पिज़्ज़ा को निकाल लिया है और काफ़ी बढ़िया से जो पिज़्ज़ा है वो बेक हो चुका है। मैं चाहूँ तो इसको 5 मिनट और बेक कर सकता था ऊपर बिल्कुल अच्छे से कलर लाने के लिए, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ड्राई जो हो जाए वो नहीं पसंद है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मॉइस्चर रखा है, ये देखिए इस तरीके से। तो अब हमें इसके ऊपर डालना है ओरिगानो और चिली फ्लेक्स। मैंने ओरिगानो डाल दिया है, थोड़ा सा इसके ऊपर चिली फ्लेक्स भी डाल दिया है। अगर आपको स्पाइसी पसंद है चिली फ्लेक्स आप थोड़ा ज़्यादा डाल लें। उसके बाद मैंने इसको कट कर दिया है और कट करने के बाद जो हमारा पिज़्ज़ा है वो बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में, चीज़ी बहुत ज़्यादा है, तो आप आसानी से इसे घर पर बहुत आसानी से बना सकते हो। तो ये दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हो या फिर हलवाई की स्वीट्स अगर आप देखना चाहते हो, बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आप सभी को मिलती रहे। तो देख सकते हैं जो हमारा पिज़्ज़ा है वो बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। इसके अगर मैं दोनों साइड आपको दिखाऊँ तो बिल्कुल ऊपर नीचे से बिल्कुल परफेक्ट पक चुका है, नीचे बिल्कुल भी जला नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट ब्रेड जैसा होता है वैसे ही बना है। तो इस तरीके से आप आसानी से घर में बना सकते हो, आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हो। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला जो बटन है उसको जरूर दबा लें ताकि आपको हमारी आने वाली हलवाई वाली जो वीडियोज है वो आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।